नमस्कार, आपका स्वागत है एशिया न्यूज इंडिया में। आपके साथ मैं। तेलंगाना में 30 नवंबर को विधानसभा चुनाव होने हैं, उससे पहले सभी पार्टियां एक दूसरे पर जमकर हमला बोल रही है। 12 नवंबर को तेलंगाना कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ने ओवैसी के कपड़ों पर कमेंट किया। रेड्डी ने सभा में कहा, ओवैसी शेरवानी के नीचे खाकी निकर पहनते हैं। रेड्डी ने आरोप लगाया है कि ओवैसी और भाजपा मिले हुए हैं, हमें राज्य से दोनों को हटाना है। AIMIM चीफ ओवैसी ने सोमवार को इसका जवाब दिया। उन्होंने कहा, कांग्रेस की हमारी दाढ़ी और कपड़ों पर कमेंट करने की आदत है। रेड्डी खुद RSS से आए हैं, उनका रिमोट कंट्रोल मोहन भागवत के पास है। ओवैसी सोमवार को हैदराबाद में एक रैली को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा, रेड्डी के पास हमारे खिलाफ आलोचना करने के लिए कुछ भी नहीं है, फिर वो कपड़ों और दाढ़ी पर चले जाते हैं। इसे डॉग विशल पॉलिटिक्स यानी कि कुत्ते की सीटी वाली राजनीति कहते हैं। ओवैसी ने आगे रेड्डी को RSS की कठपुतली बताया और कहा, भाजपा और कांग्रेस के बीच कोई अंतर नहीं है। रेड्डी को लेकर ओवैसी ने आगे कहा, तेलंगाना कांग्रेस प्रमुख ने निक्कर पहनकर RSS सदस्य के रूप में शुरुआत की और फिर ABVP में चले गए, फिर तेलुगु देश में शामिल हो गए और अब कांग्रेस में आ गए। किसी ने सही कहा है कि कांग्रेस के गांधी भवन पर मोहन भागवत का कब्जा है और वे जैसे चाहें कांग्रेस चलाएं। इसी के साथ बने रहे एशिया न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।